हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, भारत माता की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों माही यात्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के एक और नए यात्रा ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ पलानी वाटरफॉल पत्रातू। दोस्तों, मेरे पीछे में आपको दिखाई दे रहा है यह पलानी वाटरफॉल है। यह पत्रातू लेक से ठीक 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर में पलानी गाँव स्थित है और वहीं पर ठीक पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही ऊँचाई से झरना गिरता है और इसका नाम है पलानी वाटरफॉल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पलानी वाटरफॉल का, इस घने जंगलों के बीच में स्थित पलानी का नेचर व्यू हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको यहां का मैं नेचर व्यू दिखा पाऊं। दोस्तों, यह एक बहुत ही सुंदर जगह है। यह पहाड़ के बीच में से बहुत ही ऊँचाई से यहाँ पर एक झरना गिरती है और इसका नाम पलानी वाटरफॉल है। आप रांची शहर की ओर से आसानी से आप पत्रातू लेक आ सकते हैं और पत्रातू लेक का जो चौराहा है वहीं से ठीक 5 किलोमीटर दूर के लिए एक रास्ता आती है जो कि आपको यहां पलानी वाटरफॉल तक एकदम आसानी से लेकर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं पलानी वाटरफॉल और नेचर व्यू का आनंद लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप देख रहे हैं यह पत्रातू लेक रिसोर्ट, पत्रातू मनोरंजन पार्क का चौराहा चौक है। यहीं से रास्ता जो है वह पत्रातू की ओर और रामगढ़ की ओर जाती है और यहीं से बायां तरफ का जो रास्ता है, छोटा रास्ता, यह पलानी नामक गाँव की ओर जाती है और पलानी पे ही स्थित है हमारा पलानी वाटरफॉल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं पलानी गांव की ओर। पलानी गांव तक जाने वाला रास्ता बहुत ही सुंदर और जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। यह सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इसी पर है पलानी वाटरफॉल। पलानी वाटरफॉल का जो एंट्री टिकट है वह 20 रुपया मात्र प्रति एक व्यक्ति है। आप एंट्री टिकट लेकर के अपना वाहन पार्किंग करके एकदम आसानी से आप घुस जाइए और घुसने के साथ ही आपको सबसे पहले दिखाई देगा एक खड़ी चट्टान को काटकर बनाया हुआ मनोरंजन पार्क। दोस्तों, आप इसमें पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं और साथ ही साथ अपना फैमिली वेकेशन टाइम के लिए भी आप यहां आकर इंजॉय कर सकते हैं। सामने की ओर दो बड़ी बड़ी पहाड़ें दिखाई देती हैं और पहाड़ों के बीच से ही नीचे की ओर पलानी वाटरफॉल गिरता है। हम लोग जैसे ही सामने की ओर जाने लगते हैं, हमें चारों तरफ का नज़ारा जो है वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक हरा भरा नज़र आता है। दोस्तों, वाटरफॉल का आवाज़ हमें पार्क में घुसने के साथ ही सुनाई देने लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वाटरफॉल की ओर। वाटरफॉल तक जो जाने वाला रास्ता बनाया हुआ है, इसे चट्टान को काटकर बनाया हुआ है, इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएँ तो एकदम सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि जो बैरिकेडिंग किया हुआ है इसके किनारे एकदम नदी का खाई है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक चलें, अन्यथा आपके साथ यहाँ दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुँच गए पलानी वाटरफॉल। देखिए, आप सुनिए
कितना सुंदर झरने की आवाज़ कलकल करती हुई सुनाई दे रही है और झरना भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं पलानी वाटरफॉल। आप इंजॉय कीजिए पलानी वाटरफॉल के इस ब्यूटीफुल सिनेरियो का। यदि आप पलानी वाटरफॉल के लिए अपना प्लानिंग करते हैं यहाँ आने का, घूमने का, तो आप इसके साथ ही साथ तीन जगह और भी घूम सकते हैं यहाँ पर। पहला है कि आप सबसे पहले पलानी वाटरफॉल आइए, इसके बाद यहाँ से लौटते वक्त आप पतरातू मनोरंजन पार्क, पतरातू लेक पे घुसिए, वहाँ फिर घूमने फिरने इंजॉय करने के बाद आप वापस पतरातू घाटी का मनमोहक नज़ारा देखते हुए आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों यह जो वाटरफॉल का व्यू है, यह मैं आपको वाटरफॉल के सबसे ऊपर के भाग से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप कृपया करके यहाँ आते हैं तो बिल्कुल भी इधर ऊपर आने का कोशिश मत करें, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता नहीं है। पुनः आप सभी को मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार नमस्कार, भारत माता की जय। सब्सक्राइब माही यात्रा ब्लॉग्स।